कराची में हाउसफुल, लेकिन पंजाब में क्यों रिलीज ना हो सकी। तनाजात, अफवाहों और कयास अराइयों के दरमियान मुत्तदिद बैनुल अक्वामी फिल्मी मेलों में अवार्ड्स और दाद वसूल करने वाली पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड बिल आखिर गुज़िश्ता रोज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नुमाइश के लिए पेश कर दी गई। कराची से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक शहर के सबसे बड़े मल्टीप्लेक्स में इफ्तिताही शोज हाउसफुल रहे और सिनेमा में आने वाले फिल्म बैनों ने इस फिल्म की तारीफ की, लेकिन पंजाब के अवाम सिनेमा घरों में फिल्म देखने से महरूम हैं क्योंकि वहां फिल्म की नुमाइश सूबाई महकमा इतलात और सकाफत की जानिब से आखिरी वक्त पर रोक दी गई थी, जिसकी वजह से मुख्तलिफ हलकों की जानिब से मुसलसल शिकायत बताई गई हैं। 17 नवंबर को जारी होने वाले नोटिफिकेशन में कहा गया कि फिल्म अगले अहकाम तक पंजाब के सिनेमा घरों में नहीं लगाई जा सकती। जॉयलैंड से वाबस्ता अफराद के लिए ये एक धचके से कम नहीं था। एक रोज़ कबल ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कायम करदा खसूसी कमेटी ने फुल बोर्ड के बाद फिल्म को चंद कट्स के साथ नुमाइश की इजाज़त दी थी, जिससे फिल्म देखने के ख्वाहिशमंद लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई थी और सिविल सोसाइटी भी इसे अपनी कामयाबी मान रही थी। दिलचस्प बात यह भी है कि इस साल अगस्त में पंजाब सेंसर बोर्ड ने जॉयलैंड को आम नुमाइश के लिए मौजू करार दिया था, जबकि सिंध सेंसर बोर्ड ने इसे ए सर्टिफिकेट दिया था, जिसका मतलब ये था कि फिल्म सिर्फ बालिगों के लिए है। ताहम पंजाब हुकूमत की जानिब से फिल्म के माउन प्रोड्यूसर सरमद सुल्तान खोसट को जारी किए जाने वाला नोटिफिकेशन बहुत गैर मुतवक्के था।